फौजी की जिंदगी एक संघर्ष है, एक त्याग है, और ऐसा नहीं कि ये संघर्ष और त्याग तभी तक रहता है जब तक वो फौज में रहे, बल्कि ये संघर्ष, ये त्याग समय के साथ साथ उसके रिटायरमेंट तक भी जारी रहता है। हम बात कर रहे हैं उन रिटायर्ड फौजियों के बारे में जिन्हें सरहद पर एडजस्ट करने के बाद समाज में एडजस्ट करना एक जंग जैसा ही है, जिन्हें समाज शबासी तो देता है लेकिन साथ नहीं देता। एक ऐसी अनसुनी आवाज जो दशकों के बाद दब के रह जाती है गांव के किसी कोने में और सिमट के रह जाती है वोटर लिस्ट के पन्नों में। जब 18-19 साल का फौजी फौज ज्वाइन करता है ना, तो वो बिछड़ जाता है अपने समाज से, अपनी मिट्टी से, अपने गांव से, अपने आंगन से। और गांव भले अपने फौजी को भूल जाए, लेकिन एक फौजी अपने गांव को कभी नहीं भूलता। साल के हर तीज त्यौहार याद दिलाते हैं कि फौजियों के भी होली और दिवाली आता है, लेकिन वो समय के साथ सब छोड़ देता है। होली, दशहरा, दिवाली, वो छोड़ देता है अपना समाज, अपनी जवानी, अपना बचपन, अपने सपने, और उन्हीं सपनों और अपनों के बीच छोड़ देता है एक आम जीवन, क्योंकि उनके रगों में खून नहीं, देशभक्ति दौड़ती है। लेकिन वही 40 साल का फौजी जब रिटायर होकर वापस घर आता है तो वो दुनिया से कट चुका होता है, वो सोशली कट ऑफ हो जाता है समाज से, वो समझ ही नहीं पाता सर्विस और रिटायर के बीच के गैप को। वो पाटने की कोशिश करता है इस खाई को, वो जोड़ना चाहता है दिल और दिमाग को, वो फिर से पुराने लम्हों को जीना चाहता है, वो सींचना चाहता है अपने खून और पसीने से अपनी मिट्टी और खेत को। लेकिन ये समाज, ये दुनिया उसके जज्बातों का मजाक बनाती है, उसके भावनाओं को पागलपन करार दिया जाता है। लेकिन एक फौजी फौजी होता है, उसको खुद पे भरोसा होता है, उसे पता होता है कि वो जो कर रहा है सही है। उसे तो आज भी लगता है कि दुनिया पूछेगी उसे कैंटीन की तरह और सर पे चढ़ा कर रखेगी रम की तरह। उसे तो आज भी लगता है कि दुनिया एक सर्विस की तरह है और यहाँ भी सारे काम फौज की तरह ईमानदारी से होते हैं। और ये भी एक कड़वा सच है कि दुनिया रिटायर्ड फौजियों को जगह नहीं देती साहब, वो बना के रखती है एक ऐसा गैप और राजनीति जिसका गणित आज तक किसी फौजी को समझ में नहीं आया, और उसकी इसी मासूमियत का फायदा सारी दुनिया उठाती है। पता है जब दुनिया सो रही होती है नींद की आगोश में, तो वो तड़के सुबह उठ जाता है गाय भैंस को चारा डालने के लिए और निकल जाता है दूर कहीं गांव में टहलने के लिए। अब गांव में उसके कोई साथी संगाती नहीं होते, वो बिल्कुल अकेला होता है कई जनों के बीच में, एक अजनबी की तरह, या यूं कहें कि एक परदेसी की तरह। फिर वो बनाता है गांव के बच्चों को अपना साथी और काटता है उनके साथ रिटायरमेंट के बाद की बची हुई जिंदगी। वह सुनाता है बच्चों को उन्हें फौज और फौजियों के किस्से, और दिखाता है उन्हें जमीन और लड़ाइयों के हिस्से। वो बांटता है अपना दुख दर्द और खोजता है उन पलों में अपना पल, क्योंकि फौजी अपने किस्से कहानियों को बार बार जीता है। एक फौजी अपने सिस्टम में इतना ट्रेंड होता है कि वो किसी भी मिट्टी, किसी भी मौसम में खुद को ढालने की क्षमता रखता है। लेकिन न जाने हमारे समाज की ऐसी मानसिकता क्यों है कि रिटायरमेंट के बाद एक फौजी को सिक्योरिटी गार्ड से ज्यादा काबिल समझा ही नहीं जाता। कभी ओसारे में बैठ उन रिटायर फौजियों को देखिए और उनकी आंखों से छलकते जीवन के संघर्ष को देखिए। ऐसा लगता है कि बचपन की उम्र में रिटायर वो फौजी अभी भी वो अपना बचपन ढूंढ रहा है। वो देख रहा होता है कि शायद अभी भी रेलवे स्टेशन पर कोई घर से आ जाए और पूछे उसका हाल और देश दुनिया का समाचार। लेकिन सच्चाई भी यही है दोस्त कि रिटायरमेंट के साथ ही दुनिया की इंसानियत भी रिटायर हो जाती है। जब तक वो बैरक में रहता है तब तक उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन फौजी जैसे रिटायरमेंट के बाद वापस घर आता है तो कभी कभी उसके खुद के बच्चे भी डांट देते हैं कि क्या पापा सुबह सुबह खटर पटर क्यों करते रहते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती तो हमारी नींद क्यों खराब करते हो। अब उन्हें कौन समझाए कि तुम्हें अच्छी नींद आ जाए, इसी चक्कर में मेरी आती हुई नींद भी चली जाती है। फिर मैं इस कोशिश में कामयाब हो जाता हूँ कि तुम्हें मेरी परेशानियों का एहसास नहीं है। आवाज कड़क हो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल मोम का नहीं हो। पर यह जमाना कैसे समझ पाएगा कि फौजी की सुबह की खटर पटर में फौजी अपने फौज की जिंदगी की खनक को ढूंढना चाहता है। एक फौजी के नौकरी के शुरुआती समय लड़खड़ाते घर को संभालने में ही चला जाता है, और बाकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए उसे आधा मिलने वाले पेंशन के आधे में ही अपना जीवन सर्वाइव करना पड़ता है।
बाहुबलियों के जोर जबरदस्ती और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते उन फौजियों की कहानियां ये चीख चीख कर कहती है, ये सादगी और ईमानदारी के नाम पर फौजियों के साथ कितना छल हुआ है। अनुशासन में स्थिर रहने वाले फौजी जब घर आते हैं तो वो शायद ये भूल जाते हैं कि जमाने की रफ्तार में लोगों की टेंडेंसी में कितना बदलाव आ गया है, और इसलिए परेड में लेफ्ट राइट करने वाले फौजी भाई लोग किसी भी गलत चीज के साथ लेफ्ट राइट नहीं कर पाते, और शायद इसलिए समाज उन्हें पागल कहता है। हाँ, फौजी लोग ना पागल होता है, और उनके पागलपन का अंदाज आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उनका पागलपन ही है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो कभी दोतरफा नहीं सोचते। और ये पागलपन और जुनून चाहिए एक फौजी को, क्योंकि सियाचिन, द्रास और कार्निक जैसे जगहों पर आम इंसान नहीं बल्कि एक जुनूनी फौजी ही सर्वाइव कर पाता है। लोग कहते हैं कि फौजियों का दिमाग घुटने में होता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, फौजियों का दिमाग ना घुटने में ही होता है, क्योंकि तभी तो फौजी दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेकते। और एक बात और, ज्यादा दिमाग वाले लोग ना सिर्फ मच्छरदानी ही संभाल सकते हैं, दुश्मन का मोर्चा नहीं। फौजियों के पास दिमाग नहीं होता तभी तो वो -30 डिग्री सेल्सियस पर भी प्लस माइनस नहीं सोचते। एसी में रहकर जैसलमेर की गर्मी आप नहीं समझ पाएंगे साहब, और आप दिमाग की बात करते हैं। फौजी की जिंदगी में अनुशासन, ईमानदारी और अपने खून पसीने की कमाई का आत्मसम्मान उसके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। उसकी पाई पाई में सियाचिन की सर्दी और जैसलमेर की गर्मी का कतरा कतरा मौजूद होता है। सर्विस से डिस्चार्ज होने के बाद जब वो अपने पैसे को सही समय और सही जगह पर खर्च करता है तो लोग उसे कंजूस कहकर उसके पसीने का मजाक उड़ाते हैं। जब वो किसी ऑफिस में घुसकर बाबू लोगों से घूस लेने का विरोध करता है तो लोग उसे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन लोग जब अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे ना, तब उन्हें मालूम चलेगा कि असल में बेवकूफ कौन है। और अंत में जब मैं सोचता हूं कि वो जो अपनी जवानी कुर्बान करता है, जो तपस्या और त्याग करता है, आखिरकार उसे मिलता क्या है? बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट और थोड़ी सी पेंशन, जिसे पाने के लिए वो बैंक के लाइन में घंटों खड़ा होता है सोच बुद्ध खोकर। वो एक सर्विसमैन का कोटा, वो कैंटीन की बातें जहां वो 4 पैसे बचाने के लिए पूरे दिन एक पैर पर खड़ा होता है, वो ट्रेन के दरवाजे के बगल में खड़ा वेटिंग लिस्ट वाला फौजी जिसका फोटो जनता तो खूब शेयर करती है लेकिन कोई उसके साथ सीट शेयर नहीं करता। कहते हैं ना दोस्त, की जिंदगी को कम समय में जीना हो तो फौजी बनिए, क्योंकि देश के लिए दीवानापन दिल से फौजी बनने के बाद ही आता है। बातें तो खूब होती है 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, लोगों में देशभक्ति का ज्वार उठता है जो कुछ ही दिन बाद भाटा की तरह शांत हो जाता है। समाज में फौजी होना एक गर्व का विषय है, पर खुद के लिए क्या? ये फौजी अंत तक नहीं समझ पाता। फौजी ना सब समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये समाज उनको कब समझेगा? कब समझेंगे लोग उनकी भावनाओं को, उनके जज्बातों को, उनके द्वारा किए गए उनके जीवन में त्याग और तपस्या को? कब समझेंगे उनकी मेहनत को, उनकी ईमानदारी को? क्या उसकी कारगिल और कुपवाड़ा की कहानियां सिर्फ कहानियां बनकर रह जाएंगी? एक फौजी के लिए फौज और जिंदगी दोनों एक ही बात है, फिर समाज के लिए फौज और फौजी दो अलग अलग हैं, ऐसा क्यों? क्या समाज में फौजी की शून्यता है, या फिर फौजी समाज का हिस्सा ही नहीं है? फिर क्यों समाज में रिटायर्ड फौजियों के लिए जज्बातों की शून्यता है? ये सारे सवाल समाज से हैं, और सनद रहे, समाज का हिस्सा आप भी हैं, सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।